हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हेल्पफुल एजुकेशन में। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप पैन कार्ड से आधार कार्ड को कैसे लिंक कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप 31 मार्च से पहले अगर लिंक नहीं करेंगे तो आपका पैन कार्ड जो है वो बंद हो सकता है। तो आपको 31 मार्च से पहले जो है आपको पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कर लेना चाहिए। तो इसके लिए आपको गूगल क्रोम में आप सिंपली आप टाइप कर सकते हैं, ई पी लिंक का वेबसाइट है। ओके, ये आप लिंक देख सकते हैं। ओके, ये लिंक देख सकते हैं आप, इस पर आपको जाना है या सिंपली आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। इस पर जाने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन खुल के आएगा, यहाँ पर कंटिन्यू टू होम पेज पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ से कंटिन्यू टू होम पेज कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लिंक आधार। ओके, तो यहाँ पर लिंक आधार का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए मैं इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। अगर आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का आपके सामने ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पैन कार्ड इंटर कर देना है और यहाँ पर आपको जो आधार कार्ड आधार नंबर है ये आपको इंटर करना है और आधार कार्ड पर जो भी नाम हो वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। और ये जो बॉक्स है, अगर आपका ईयर सिर्फ है आधार कार्ड में, डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ ईयर है तो आपको इस पर टिक करना है, नहीं तो आपको छोड़ देना है। ओके, यहाँ पर आपको इस पर टिक कर देना है, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स विथ यू आई डी आई। ओके, और ये जो कैप्चा जो है, कैप्चा आपको इस बॉक्स में आपको इंटर कर देना है। ओके, तो अगर आप कैप्चा इंटर नहीं करना चाहते हैं, अगर आप अपने आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आप ओटीपी भेजवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो है रिक्वेस्ट ओटीपी का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। चलिए मैं ये कैप्चा से फिल करने वाला हूँ, तो मैं कैप्चा फिल कर ले। तो आपको सभी डिटेल्स फिल करने के बाद, जैसे कि पैन कार्ड, आधार नंबर और आधार कार्ड पर जो नेम है वो फिल करने के बाद, आपको यहाँ पर लिंक आधार का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर आपको आप ध्यान रखना है कि आई एग्री पर आपको क्लिक कर ही देना है। ओके, तो लिंक आधार पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप लिंक आधार पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योर रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड टू यू आई डी आई फॉर वैलिडेशन ऑफ आधार, प्लीज चेक द स्टेटस लेटर बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक आधार हैपरलिंक इन द होम पेज। तो आपका जो है पैन कार्ड से जो है आधार कार्ड जो है वो लिंक हो चुका है, तो आप इसे आसानी से आप चेक कर सकते हैं थोड़ी देर के बाद। ओके, अगर आप पहले ही इसको लिंक किए हुए हैं तो आप जो है यहाँ पर आप इस तरह का आपको मैसेज मिल जाएगा कि योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू द गिवन आधार नंबर। ओके, तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कीजिए लाइक, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आप सबसे पहले मिला करें। थैंक यू फ्रेंड्स।